हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं क्लास शुरू। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ हाउ टू आस्क द वे, रास्ता किस तरह पूछते हैं। सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, तो रास्ता किस तरह हम पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम पूछ सकते हैं वहाँ पर किसी से भी। सपोज हमें किसी होटल जाना है, किसी टेम्पल जाना है, या फिर हमें नियर आसपास कोई पेट्रोल पंप के बारे में पूछना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हम यूज़ करेंगे इज देयर एनी होटल नियर हियर, यानी कि यहाँ आसपास कोई होटल है क्या। इज़ देयर एनी पेट्रोल पंप नियर हियर, इज़ देयर एनी टेम्पल नियर हियर, कहीं भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इज़ देयर एनी होटल नियर हियर, यहाँ पर कोई आसपास होटल है क्या, यहाँ कोई आसपास मंदिर है क्या, इज़ देयर एनी टेम्पल नियर हियर, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर है तो आंसर आप इस तरह देंगे, यस, आप बोल सकते हैं यस यस देयर इज़ ए पेट्रोल पंप या होटल नियर हियर, यहाँ पर है। ठीक है, देर इज़ ए पेट्रोल पंप नियर हियर। और नहीं है तो देर इज़ नो लगा दीजिए, देर इज़ नो पेट्रोल पंप नियर हियर, फिर ए नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो मना करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, देर इज़ नो पेट्रोल पंप नियर हियर। ठीक है, तो अगर आपको पूछना है, अगर आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ के आसपास कोई पेट्रोल पंप है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं, उस पेट्रोल पंप का रास्ता बता सकते हैं, या फिर उस होटल का रास्ता बता सकते हैं, या जहाँ भी आपको जाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको कैन बताया था, लेकिन बेटर कैन से क्या होता है, अगर आप कुड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कैन जो होता है थोड़ा फ्रेंडली माना जाता है, फॉर्मल नहीं माना जाता, थोड़ा फ्रेंडली इनफॉर्मल माना जाता है, कुड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कुड यू टेल मी द, कुड यू गाइड भी कर सकते हैं, कुड यू सजेस्ट भी कर सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे। अच्छा, ऑफ मत लगाना, बहुत लोग क्या करते हैं वे ऑफ लगा देते हैं, नहीं वे ऑफ नहीं आता है, वे टू आता है। कुड यू टेल मी द वे टू होटल, या कुड बी टेल मी कुछ भी, कुड यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट पेट्रोल पंप, कुड यू टेल मी द वे टू, जहाँ भी आपको बताना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाना है, टू लगाना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ऑफ सक्सेस नहीं होता, टू सक्सेस होता। तो वे के साथ यूजुअली हम टू ही लगाते हैं। ठीक है, कुड यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट पेट्रोल पंप, कुड यू टेल मी द वे टू होटल। अब देखिए, रास्ता बताने के लिए कुछ भी नहीं करना, केवल दो चार चीज़ें का, दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, श्योर आपको बोलना है, जी बिल्कुल श्योर मैं बताऊँगा आपको। तो करना क्या है, रास्ता बताने के लिए सबसे पहले अगर बताए रास्ता कुछ भी बताना है कहीं का भी आपको, तो इस तरह से बताना है, जैसे गो स्ट्रेट सीधे जाइए, गो स्ट्रेट सीधे जाइए, और सीधे जाने के बाद या तो लेफ्ट या राइट ऐसा कुछ बोल सकते हैं, टेक लेफ्ट टर्न ऐसा बोल सकते हैं, टेक लेफ्ट टर्न, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, टर्न लेफ्ट आफ्टर 100 मीटर ऐसा बोल सकते हैं, 100 मीटर के बाद आप क्या करें, आफ्टर 100 मीटर, 100 मीटर के बाद आप क्या करें, लेफ्ट टर्न ले ले या राइट टर्न ले ले, टेक लेफ्ट हो सकता है, राइट हो तो राइट बोल सकते हैं, टेक लेफ्ट या फिर राइट, जो भी आपको बताना है ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, सो गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट टर्न आफ्टर 100 मीटर या आफ्टर 200 मीटर, जैसे भी आपको बताना है। ठीक है, सो टेक लेफ्ट टर्न, यू विल सी ए टी पॉइंट, आपको वहाँ एक टी पॉइंट मिलेगा। टी पॉइंट को हिंदी में तिराहा बोलते हैं, जहाँ तीन रास्ते होते हैं। देखो, एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये है। जो चार रास्ते वाला होता है, जिसे चौपला बोलते हैं, जिसे वो आता है क्रॉसिंग, उसे आप क्रॉसिंग बोल सकते हैं। और एक जो रास्ता मुड़ता है, उसको यू टर्न हम बोलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, वो यू टर्न होता है। सो यू विल सी द टी पॉइंट देयर, आपको वहाँ टी पॉइंट मिलेगा, टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम टी पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं, टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम टी पॉइंट, यानी कि टी पॉइंट से आप टेक लेफ्ट टर्न, या टी पॉइंट मिलेगा, टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम टी पॉइंट, टी पॉइंट से आप क्या करें, लेफ्ट चले जाइए, जो भी आपको बताना है, वहाँ से राइट ले लेना, तो टेक राइट टर्न फ्रॉम टी पॉइंट, आपको वहाँ एक यू विल सी ए बिग गेट ऐसा बोल सकते हैं, आपको बड़ा सा एक गेट मिलेगा, यू विल सी ए बिग गेट, या यू विल सी ए बिग ट्री ऐसे बोल सकते हैं, यू विल सी ए बिग टेम्पल ऐसा बोल लीजिए, यू विल सी ए बिग टेम्पल, आपको एक बड़ा सा मंदिर दिखेगा या होटल दिखेगा, जो भी आपको बताना है, यू विल सी ए बिग टेम्पल ऑन योर लेफ्ट, यानी कि आपके लेफ्ट पर एक बड़ा सा मंदिर दिखेगा, देर इज ए वे नियर द टेम्पल, वहाँ एक रास्ता है मंदिर के बराबर में, तो ऐसे बोल सकते हैं, देर इज ए वे
देर इज ए स्मॉल वे, ऐसा बोल सकते हैं, देर इज ए स्मॉल स्ट्रीट बोल लीजिए, स्मॉल वे नियर द पेट्रोल, नियर द टेम्पल ऐसा बोल सकते हैं, उसके पास में कोई छोटा रास्ता है, टेक दैट वे, उस रास्ते पर चले जाइए, टेक दैट वे, वो रास्ता ले लीजिए, टेक दैट वे एंड यू विल गो टू होटल, आप होटल पहुंच जाएंगे, यू विल गो टू होटल, आप होटल पहुंच जाएंगे। देखिए तो मैंने डायरेक्शन आपकी जगह बदली है, टेम्पल बोला, होटल बोला, जहां भी आपको जाना है वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल अगर मैं अपने घर का रास्ता बताना है, कोचिंग का रास्ता बताना है, स्कूल का रास्ता बताना है, तो सिंपली क्या बता सकते हैं हम किस तरीके से, जैसे गो आउट, रोड पर आएंगे, रोड पर आने के बाद टेक ऑटो बोल सकते हैं, टेक ऑटो फ्रॉम देयर एंड यू विल गो टू बस स्टॉप, यू विल गो टू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल या यू विल गो टू देयर, वहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, टेक लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से 100 मीटर जाना है, टेक गो 100 मीटर फ्रॉम देयर, वहाँ से लेफ्ट लेना है, टेक लेफ्ट फ्रॉम देयर, जो भी आपको बताना है जिस तरीके से आपको, बस दो या तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, यूजुअली दो ही रास्ते होते हैं सब जानते हैं, दो या तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, टेक लेफ्ट टर्न एंड टेक राइट टर्न, या फिर बोल सकते हैं टर्न लेफ्ट टर्न राइट, यू विल सी ए बिग गेट, आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा, आप ये हिंदी में बोल सकते हैं, यू विल सी ए बिग आयरन गेट, यू विल सी ए स्टैचू, आपको वहाँ मूर्ति दिखेगी, तो ऐसा बोल सकते हैं आप, तो बड़ा छोटा सा बड़ा आसान सा वे है, तो आप इस तरह बता सकते हैं, और नहीं पता है आपको तो सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो ऐसा बोल सकते हैं, मैं सॉरी मुझे नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो, मैं यहाँ पर नया हूँ या मुझे इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो बोल सकते हैं सॉरी आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ पर नया हूँ, सॉरी आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ पर नया हूँ, आई एम न्यू हियर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई एम न्यू टू दिस सिटी या दिस एरिया, दिस सिटी जो भी आपको लगाना है, इस सिटी में बिल्कुल नया हूँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सिटी ऐसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सिटी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एरिया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सिटी ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ दिस सिटी, ठीक है। तो रास्ता बड़ा ही आसान सा तरीका होता है, कुछ भी नहीं करना आपको, टेक लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न, गो स्ट्रेट, आपको ये मिलेगा, यू विल सी बता सकते हैं, यू विल सी ए गेट, यू विल सी ए टी पॉइंट, यू विल सी ए क्रॉसिंग, टेक लेफ्ट टर्न, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कई बार हम बोलते हैं, सपोज किसी रास्ते पर हम जा रहे हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, बोलते हैं ना कि रास्ता कहाँ जाता है, यूजुअली इसका आंसर ये है कि रास्ता तो कहीं नहीं जाता, जाना तो आपको है, यूजुअली ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि रास्ता कहाँ जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू, एल ई ए डी लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, ठीक है। ये रास्ता बोल सकते हैं, ये रास्ता होटल तक जाता है, दिस वे लीड्स टू, या दिस वे बोल लीजिए, दिस रोड बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम, दिस रोड लीड्स टू टेम्पल ऐसा बोल सकते हैं, दिस वे लीड्स टू टेम्पल, दिस वे लीड्स टू हाईवे, ये हाईवे पर जाता है, दिस रोड लीड्स टू हाईवे यहाँ तक जाता है। अच्छा, लीड मीन्स आपको कहीं तक लेकर जाना, इस तरह से, इसी लीड से वर्ड बना है लीडर, इस तरह बोल सकते हैं, तभी तो बोला जाता है डोंट स्टे विद हिम या डोंट बी टुगेदर विद हिम, ही विल टेक यू टू जेल, वो आपको जेल ले जाएगा, साथ ज़्यादा मत रहो, ही विल लीड यू टू जेल, वो आपको जेल ले जा सकता है, क्रिमिनल के साथ मत रहो, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, डोंट लिव विद हिम, ही विल लीड यू टू जेल, वो आपको जेल ले जाएगा। देखो फ्यूचर मैंने आपको पढ़ाया था, कमांड का टॉपिक आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो सिंपली अगर हमें रास्ता किसी से पूछना है तो आसानी से पूछ सकते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है, वेयर डज दिस वे लीड टू, या रोड लीड टू, टू ही लगाना है इसके लिए आपको, ठीक है। इस तरह आप रास्ता पूछ सकते हैं, फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।